I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rural College, University of Allahabad. And today I am going to discuss a new topic under the main heading of Educational Measurement and Evaluation, that is Bloom's Taxonomy. हम लोग जनरली एजुकेशनल साइकोलॉजी के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं. एजुकेशनल साइकोलॉजी में सिर्फ एक बड़ा टॉपिक रह गया है मुझे आपसे डिस्कस करने के लिए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, थियरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. वो जल्दी ही मैं कवर कर लूंगी, लेकिन ये एक जरूरी टॉपिक, मैं बहुत दिनों से इस पर बात करना चाह रही थी. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अब तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एजुकेशन के स्टूडेंट्स इसको पढ़ा रहे हैं. एवरी डिसिप्लिन, सारे डिसिप्लिन्स के टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, विशेष तौर पर टीचर्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी हो गया है. और आप हर किसी को ये जानना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रोचक है कैसी बातें की गई हैं जो हमारी शिक्षण को, हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, क्लासरूम इंटरेक्शन को, इंस्ट्रक्शन को सुधार सकती है, असेसमेंट को सुधार सकती है. तो हम सबको ज़रूर पता होना चाहिए, और बहुत सारे सवाल भी इससे पूछे जाते हैं. तो लेक्चर बाइलिंगुअल रहेगा हमेशा के लिए. तो जानते हैं क्या है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. सबसे पहले बेंजामिन एस ब्लूम, इनका पूरा नाम है बेंजामिन एस ब्लूम एंड ए ग्रुप ऑफ असेसमेंट एक्सपर्ट्स, जिसमें कि मैक्स एंग्लेहार्ट थे, एडवर्ड फर्स, वॉल्टर हिल एंड डेविड रेथोल. डेविड रेथोल का वो भी है कि बाद में भी ये इफेक्टिव डोमेन में बाद में आते हैं, रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में बाद में इनका नाम आता है. बिगेन देयर वर्क इन 1949 एंड कंप्लीटेड देयर एफर्ट्स इन 1956. मतलब 1949 में इन्होंने इस असेसमेंट और इस सब पे काम करना शुरू किया, और वो अपना काम पब्लिश कर रहे हैं 1956 में, जो कि एक बुक के फॉर्म में, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स, हैंडबुक वन, कॉग्निटिव डोमेन. यानी कि 1956 में ये कॉग्निटिव डोमेन की बात कर रहे हैं. हम आगे जानेंगे कि इन्होंने तीन डोमेन्स की बात की है, कॉग्निटिव, एफेक्टिव और साइकोमोटर, जिसमें कि ब्लूम साहब का काम कॉग्निटिव पर है. बाकी एफेक्टिव और साइकोमोटर को अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग शिक्षाविदों ने हमें बताया है. तो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कब बात की गई, 1950 में, 70-75 साल पहले की बात है, लेकिन अभी भी इसको हम पूरी तरीके से क्लासरूम टीचिंग लर्निंग में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, पूरी तरह से समझते नहीं हैं, कई लूप होल्स हैं. तो बहुत अच्छी बात इन्होंने की है. द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स, यानी कि इन्होंने शैक्षिक जो उद्देश्य हैं उनका वर्गीकरण किया, और उसमें से संज्ञानात्मक आयाम पर बात की है. इसमें फेमिलियरली नोन एज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जिसको बहुत पॉपुलरली ब्लूम की वर्गीकी के नाम से जानते हैं. The framework elaborated by Bloom and his collaborators consisted of six major categories. यानी कि 1956 में जो ये टेक्सोनॉमी हमको दे रहे हैं, उसमें इनके और इनके साथियों ने पाया कि छह कैटेगरी हैं. कौन कौन सी? नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन. मीन्स ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन. तो द कैटेगरीज आफ्टर नॉलेज, यानी कि अभी आगे आपको डायग्राम में मिल जाएगा देखने का, मतलब कि नॉलेज के बाद जितनी आ रही है, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ये जो आ रही है ये क्या है? स्किल्स हैं. दी कैटेगरीज आफ्टर नॉलेज आर प्रेजेंटेड एज स्किल्स एंड एबिलिटीज, विद द अंडरस्टैंडिंग दैट नॉलेज वाज द नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर पुटिंग दीज स्किल्स एंड एबिलिटीज इनटू प्रैक्टिस. मतलब क्या समझ में आया? कि बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन को हम लागू कर पाएं, हम इम्प्लीमेंट कर पाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि बेडरॉक के रूप में, बेस के रूप में हमको नॉलेज होनी चाहिए. विदाउट नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन डजंट हैव एनी मीनिंग. ओके. फिर दी टैक्सोनॉमी प्रोवाइड्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिवाइडेड बाई कॉम्प्लेक्सिटी. यानी कि ये इन्होंने जो हमको टैक्सोनॉमी या वर्गीकी दी है, उसमें कई तरीके के इन्होंने अधिगम के उद्देश्य बताए, जिसको कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पे बांटा है. जैसे कि आप जानते हैं कि हायरार्की है, ये टैक्सोनॉमी है, यानी कि आप किसी का क्रम बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते. यू हैव टू बी स्टिक एट दोज लेवल्स ओनली. ओनली आफ्टर अ स्टूडेंट मास्टर्स वन लेवल ऑफ लर्निंग गोल्स थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, कोएर्सिव करेक्टिव एक्टिविटीज एंड अदर इनरिचमेंट एक्सरसाइजेस कैन दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल. मतलब कि नॉलेज लेवल पे जो उसका लर्निंग गोल है, उस पर बच्चे की मास्टरी हो जाएगी उस फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू, या करेक्टिव एक्टिविटीज के थ्रू, या इनरिचमेंट एक्सरसाइजेस के थ्रू, तब हम उसको दूसरे लेवल पे ले जाएंगे, ये बताया गया. हम यहीं पर आपको याद दिला दें कि ब्लूम साहब का ही कंसेप्ट मास्टरी लर्निंग का भी है, और हम मास्टरी लर्निंग पे आपसे बात कर चुके हैं. तो ये कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. कोई ऐसा नहीं है कि मास्टरी लर्निंग कोई अलग एकदम कंसेप्ट है और ये टैक्सोनॉमी अलग है. वो कह रहे हैं कि टैक्सोनॉमी के थ्रू आप मास्टरी पास कर सकते हैं, आप इवेल्युएशन पे पहुंच जाएंगे तो आप मास्टर हो जाएंगे. ओके. It is a classification of the different objectives and skills that educators set for their students. Learning objectives. मतलब आप देखते होंगे कि ब्लूम साहब का ही you can say कि
इन्फ्लुएंस है कि हम कोई भी मॉड्यूल देखते हैं, हम क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, लिखा रहता है एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल, एट द एंड ऑफ दिस क्लास स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन, स्टूडेंट विल बी एबल टू लिस्ट, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफरेंशिएट, स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं. तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे सबसे ज्यादा इम्फेसिस है. लाइक अदर टेक्सोनॉमीज, ब्लूम्स इज हायरार्किकल. अदर वर्गीकी की तरह, अदर टेक्सोनॉमीज की तरह भी ब्लूम भी क्या है, हायरार्किकल है, वर्गीकी है. मीनिंग दैट लर्निंग एट द हायर लेवल्स इज डिपेंडेंट ऑन हैविंग अटेन्ड प्री रिक्विजिट नॉलेज एंड स्किल्स एट लोअर लेवल्स. यानी कि अगर आपको इवेल्युएशन लेवल की मास्टरी चाहिए तो आपको प्री रिक्विजिट उसके जितने लेवल हैं उन पर मास्टरी करनी होगी, उनको अचीव करना होगा, उनको अटेंड करना होगा, तभी आप नेक्स्ट पर जा सकते हैं इन अकॉर्डेंस टू ब्लूम. ओके, द ओरिजिनल टेक्सोनॉमी क्यों बात कर रहे हैं हम ओरिजिनल की. जैसे ही आपको द ओरिजिनल टेक्सोनॉमी की हेडिंग मिलेगी आप समझ जाएंगे कि ये अब सिर्फ मूल रूप है, इसका मतलब इसका कोई परिवर्तित रूप भी आ चुका है. यस, जो रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है वो 2001 में आ गई है. तो पहले हम ओरिजिनल वाले को जानते हैं. तो कॉग्निटिव डोमेन में क्या बात कर रहे हैं, द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द टेक्सोनॉमी द कॉग्निटिव डोमेन इज द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन हायरार्की ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. ओके, इट फोकसेस ऑन द एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड इज वाइडली यूज्ड इन द एजुकेशनल सेटिंग. यानी कि ज्ञान के अधिग्रहण और ज्ञान के अनुप्रयोग से इसका लेना देना है और बहुत ज्यादा एजुकेशनल सेटिंग में यूज की जाती है. दिस इनिशियल कॉग्निटिव मॉडल रिलाइज ऑन नाउंस और मोर पैसिव वर्ड्स टू इलस्ट्रेट द डिफरेंट एजुकेशनल बेंचमार्क्स. क्यों ये लिखा जा रहा है, ये लिखा ही इसलिए जा रहा है कि जो रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी आई है उसमें नाउन की जगह वर्ब यूज किया गया है. तो लर्निंग क्या हो गई हमारी, एक्टिव हो गई. क्यों, वर्ब का मतलब क्या, क्रिया, क्रिया का मतलब कुछ काम हो रहा है. यहां पे चूंकि सिर्फ और सिर्फ संज्ञाएं हैं इसलिए कहीं ना कहीं लर्निंग को पैसिव बना दे रही थी, स्टैटिक बना दे रही थी. ये भी इसकी एक कमी है जिसकी वजह से रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी आई. तो नॉलेज क्या है, नॉलेज माने ज्ञान. ज्ञान किसका, रिकॉल करना है. किसको रिकॉल करना है, स्पेसिफिक्स हो सकते हैं, कुछ विशिष्टताएं हो सकती हैं, रिकॉल ऑफ मेथड्स प्रोसेसेस या रिकॉल पैटर्न स्ट्रक्चर या सेटिंग. तो नॉलेज लेवल का प्रश्न कैसे बनेगा, जैसे वो हमसे पूछते हैं कि मान लीजिए ऑक्सीजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, पूछा जाता है ऐसा सवाल. तो हम क्या पूछ रहे हैं, सिर्फ प्रोसेस पूछ रहे हैं और वो भी क्या कर पा रहे हैं, सिर्फ रिकॉल. यानी कि ये किसका सवाल होगा, नॉलेज लेवल का होगा. फिर कॉम्प्रिहेंशन, या हम इसको, ये तो असेसमेंट के संदर्भ में हुआ, इंस्ट्रक्शन के संदर्भ में कैसे समझेंगे कि बच्चा अगर क्लास में हम उसे पूछ रहे हैं कि ऑक्सीजन की बनाने की, ऑक्सीजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करो, और अगर उसको बता पा रहा है इसका मतलब वो ज्ञान, वो कॉग्निटिव डोमेन के किस स्तर पे, नॉलेज के स्तर पे. फिर कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है, रिफर्स अ टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग और अप्रिहेंशन, बोध हो जाए, समझ आ जाए, सच दैट द इंडिविजुअल नोज व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड एंड कैन मेक यूज ऑफ द मटेरियल और आइडिया बीइंग कम्युनिकेटेड. Communicated means recall से ऊपर understanding है. फिर understanding से ऊपर क्या है, application है, कि हम उस knowledge को, उस comprehension जिसको हम समझ गए हैं उसको अन्य situations में अगर apply कर सकें. तो analysis का क्या मतलब है, कि हमने break down कर दिया है, constituent elements में निकाल दिया और उसका भी हम कोई अर्थ समझ पा रहे हैं. तो synthesis का क्या मतलब है, कि हम सभी constituent element को फिर से जोड़ के उसका कोई अर्थ निकाल पा रहे हैं. तो और evaluation का मतलब engenders judgments about the value of material and methods for given purposes. यानी कि अगर मूल्य का अंकन हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, मूल्य दिया जा रहा है, that means we have reached at the highest level of cognitive domain, that is evaluation, in accordance to the original Bloom's taxonomy which has been given in the year of 1956. ओके, ये है इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. पिरामिड के रूप में इन्होंने बनाया है ना, कि नॉलेज जो है वो सबसे नीचे है, फिर नॉलेज कह रहे हैं ये सारी जितनी भी एबिलिटीज है उनको यूज करने के लिए नॉलेज जरूरी है. तो नॉलेज हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन हो गया. नॉलेज मींस रिकॉल ऑफ इन्फॉर्मेशन, डिस्कवरी, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसलेटिंग, समराइजिंग, डिमॉन्स्ट्रेटिंग, डिस्कसिंग. इसी का जब आप पढ़ते हैं ना कि ब्लूम की हमको क्या बिहेवियरल टर्म्स में इसको लिखना है, तो इसका मतलब कि स्टूडेंट विल बी एबल टू समराइज, इसका मतलब कॉम्प्रिहेंशन के लेवल पे है. स्टूडेंट विल बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स ही और शी हैज बीन रीच्ड एट द लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन. एप्लीकेशन में क्या है, यूजिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज, यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, मैनिपुलेटिंग, डिजाइनिंग, एक्सपेरिमेंटिंग. एनालिसिस मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग पैटर्न्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, रिकॉग्नाइजिंग ट्रेंड्स. सिंथेसिस मीन्स यूजिंग ओल्ड कॉन्सेप्ट्स टू क्रिएट न्यू आइडियाज, डिजाइन, इन्वेंशन एटसेट्रा. एंड इवेल्युएशन मीन्स असेसिंग थ्योरीज, हम मूल्यांकन कर पाएं कि वो जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसका क्या मतलब, क्या रोल है, क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है उसमें, ये सब. तो ये एक हमको खाका बना के 1956 में ब्लूम साहब देते हैं. फिर रिवाइज टैक्सोनॉमी क्यों आई, रिवाइज टैक्सोनॉमी क्योंकि बहुत उसमें त्रुटियां पाई गई. कहा गया कि नहीं आप बहुत पैसिव तरीके से बात कर रहे हैं और लर्नर ये एक्टिव रोल नहीं प्ले कर रहा है, ऐसा वैसा. तो आ गई नई थ्योरी, मतलब ऐसे नहीं आई, बहुत साल लगे उसको आने में. अ ग्रुप ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, करिकुलम थियरिस्ट, इंस्ट्रक्शनल रिसर्चर्स एंड टेस्टिंग एंड असेसमेंट स्पेशलिस्ट पब्लिश्ड
published 2001 in 2001 a revision of Bloom's taxonomy with the title a taxonomy for teaching learning and assessment. वहां वो किसकी बात कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल गोल्स की बात कर रहे थे, वो जो इनका हैंडबुक का नाम था. लेकिन यहाँ देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि हमारा जो पैमाना है, हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो होराइजन है वो बढ़ गया है, टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट हो गया है. और ये बनाने वाले भी लाने वाले भी प्रैथोल ही हैं. द ऑथर्स ऑफ द रिवाइज टैक्सोनॉमी यूज्ड वर्ब्स एंड जर्नल्स टू लेबल देयर कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज. दीज एक्शन वर्ड्स डिस्क्राइब द कॉग्निटिव प्रोसेसेस बाय व्हिच थिंकर्स एनकाउंटर एंड वर्क विद नॉलेज. यानी कि यहाँ थिंकर क्या हो गया? एक्टिव हो गया. नाउन की जगह क्या आ गई? वर्ब आ गई. इन द न्यू टैक्सोनॉमी टू डायमेंशंस आर प्रेजेंटेड. देखिए ओरिजिनल टैक्सोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डायमेंशन की बात की जा रही थी और नॉलेज को माना जा रहा था कि वो बेस है, जरूरी है. लेकिन यहाँ पे दो डायमेंशन पे ये अपनी थ्योरी दे रहे हैं, अपना टैक्सोनॉमी दे रहे हैं. एक नॉलेज का डायमेंशन है और एक कॉग्निटिव डायमेंशन है. इन द रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी नॉलेज इज एट द बेसिस ऑफ दीज सिक्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस बट इट्स ऑथर्स क्रिएटेड ए सेपरेट टैक्सोनॉमी ऑफ द टाइप्स ऑफ नॉलेज यूज्ड इन कॉग्निशन. मींस नॉलेज भी चार तरीके की हो गई, आप ये कह सकते हैं. या तो या आप इसको हायरार्की भी मान सकते हैं कि फैक्चुअल नॉलेज है, फिर कंसेप्चुअल नॉलेज है, फिर प्रोसीजरल नॉलेज है, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज है. मतलब कि जब आदमी, व्यक्ति, इंडिविजुअल, स्टूडेंट रिकॉल करता है तो वो रिकॉल फैक्चुअल नॉलेज हो रही है कि कंसेप्चुअल है कि प्रोसीजरल है कि मेटाकॉग्निटिव है. मतलब रिकॉल भी इतना इजी नहीं है, इतना आप ये नहीं कह सकते बड़ा सिंपल है ना. तो ये अब इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या क्या है. फैक्चुअल नॉलेज का मीन्स नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी है ना, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक डिटेल्स. कंसेप्चुअल नॉलेज का मीन्स नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज, प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन, थियरीज, मॉडल स्ट्रक्चर. लेकिन अगर प्रोसीजरल नॉलेज की बात की जाएगी तो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, एल्गोरिदम, टेक्निक्स, क्राइटेरिया. और अगर मेटा कॉग्निटिव नॉलेज की बात की जाएगी तो स्ट्रैटेजिक नॉलेज, सेल्फ नॉलेज, नॉलेज अबाउट कॉग्निटिव टास्क इंक्लूडिंग एप्रोप्रिएट कॉन्टेक्चुअल एंड कंडीशनल नॉलेज. मींस मेटा कॉग्निटिव, मैंने आपको मेटा कॉग्निशन पढ़ाया, मतलब वीडियो उसका पहले भी बन चुका है. तो मेटा कॉग्निशन का मतलब क्या है? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन. मींस कि आप कहीं थिंकिंग में हायर लेवल पे लाई कर रहे हैं. तो नॉलेज भी ये चार डायमेंशन हो गए उसके. अब आते हैं कॉग्निटिव डायमेंशन है. कॉग्निटिव डायमेंशन को क्या किया इन्होंने? जो नॉलेज था वो तो उसका अलग कर दिया, तो यहाँ पे आ गया रिमेम्बरिंग. रिमेम्बरिंग उसमें कहीं नहीं था, मतलब रिकॉल था एक्शन वर्ब, क्योंकि वर्ब लिया है ना, तो रिमेम्बरिंग आ गया. अंडरस्टैंडिंग, जो कॉम्प्रिहेंशन था वो अंडरस्टैंडिंग हो गया. जो एप्लीकेशन था वो अप्लाइंग हो गया. जो एनालिसिस था वो एनालाइजिंग हो गया. लेकिन जो सिंथेसिस था और इवेल्युएशन था, तो इवेल्युएशन को नीचे लाके इवेल्युएटिंग करके सिंथेसिस को क्रिएटिंग करके टॉप मोस्ट पोजिशन पे पहुंचा दिया गया. और ये माना गया कि नहीं, इनोवेशन करना या कुछ नया क्रिएट करना इज द मोस्ट इज मस्ट बी एट द मोस्ट हाइएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की, इट शुड बी. तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का कॉग्निटिव डोमेन या कॉग्निटिव डायमेंशन 2001 में दिया गया वो ये है. और नीचे के तीन, ये देखिए रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, ये कहे जा रहे हैं कि ये लॉट्स हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं. लेकिन एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग क्या है? हॉट्स हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल. यानी कि अगर आप रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग के लेवल पे हैं तो आप लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यूज कर रहे हैं. लेकिन अगर आप एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग पे हैं तो आप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यूज कर रहे हैं. ठीक है, ये मेन अंतर है न्यू और ओल्ड टैक्सोनॉमी के बीच में. अब रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी में कौन कौन से वर्ड्स हैं? रिमेंबर, अंडरस्टैंड. रिमेंबर का मतलब रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉलिंग. अंडरस्टैंड का मतलब इंटरप्रेटिंग कर पा रहे हैं आप, एग्जाम्प्लीफाई कर पा रहे हैं, क्लासीफाई कर पा रहे हैं, समराइज कर पा रहे हैं, इन्फर कर पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. तो आप किस लेवल पे हैं? अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे. अप्लाई का इसी तरह से एग्जीक्यूट कर पाना, इंप्लीमेंट कर पाना. एनालाइज का मतलब डिफरेंशिएट कर पाना, ऑर्गेनाइज कर पाना. इवेल्युएट का मतलब चेक करना, क्रिटिक बनना, आलोचना करना, समालोचना, मतलब उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स बताना. और क्रिएट का मतलब जनरेटिंग, प्लानिंग या प्रोड्यूसिंग पे अगर आप हैं तो कहा जाएगा कि आप जो लेवल है आपका हाईएस्ट लेवल पर आप पहुंच चुके हैं. Why use Bloom's taxonomy? क्यों यूज करें हम? क्यों ये सब हमको इतना cognitive domain समझने की जरूरत है? क्योंकि अगर हम बात objectives की कर रहे हैं, learning objectives की, learning goals की कर रहे हैं, तो हम बहुत जरूरी है इसको establish करना. अगर हम कुछ भी पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में तो उसके पहले उसके गोल्स सुनिश्चित करना जरूरी है. आर इंपॉर्टेंट टू establish इन ए पेडागोजिकल इंटरचेंज सो दैट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अलाइक अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ दैट इंटरचेंज. मतलब स्टूडेंट को भी पता हो कि टीचर वहां किस लिए है, टीचर को भी पता हो कि स्टूडेंट को वो क्या पढ़ाने जा रहा है. फिर ऑर्गेनाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स हेल्प टू क्लेरिफाई ऑब्जेक्टिव्स फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर स्टूडेंट्स. यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हमको क्लेरिफाई करना है अपने लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी.
हैविंग एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हेल्प टीचर्स टू, अगर हमारे पास एक ऑर्गेनाइज सेट ऑब्जेक्टिव्स का होगा तो क्या होगा, टीचर क्या कर पाएगा, प्लान एंड डिलीवर एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन, वो प्लान योजना बना पाएगा और अच्छा इंस्ट्रक्शन दे पाएगा, डिजाइन वैलिड असेसमेंट टास्क एंड स्ट्रेटजीज, वो वैलिड असेसमेंट के टास्क सुनिश्चित कर पाएगा, स्ट्रेटजी बना पाएगा, और इंश्योर दैट इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट आर अलाइंड विद द ऑब्जेक्टिव्स, मतलब वो ये इंश्योर कर पाएगा कि जो निर्देशन है और जो आकलन है वो ऑब्जेक्टिव्स के संग अलाइन हो, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव हम लेके चले हैं उसी हिसाब से हम इंस्ट्रक्शन दें और उसी हिसाब से हम असेसमेंट को प्लान करें, ठीक है। अब लास्ट में क्रिटिकल इवैल्यूएशन, अगर हम क्रिटिक बन जाएं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के तो क्या निकालेंगे, देखिए बहुत हमको अच्छा लग रहा है, बहुत अपीलिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत यू कैन से आसानी से आप इसको अपना सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें बहुत कमियां हैं पाई गई। क्या मैनी साइकोलॉजिस्ट्स टेक इश्यू विद द पिरामिड नेचर ऑफ द टैक्सोनॉमी, वो कह रहे हैं कि आपने पिरामिड नेचर क्यों दे रखा है, इससे क्या होता है, द शेप क्रिएट्स द फॉल्स इंप्रेशन दैट दीज कॉग्निटिव स्टेप्स आर डिस्क्रीट एंड मस्ट बी परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर, ये लग रहा है ना कि एक स्टेप का दूसरे स्टेप से कोई मतलब नहीं और एक आप पूरा कर ले रहे हैं तब दूसरे पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, नॉलेज तो हर में यूज हो रही है, ऐसा नहीं है कि जरूरी हर टास्क में पहले आप कॉम्प्रिहेंड करें तभी अप्लाई करें, ऐसा हो सकता है कि आप अप्लाई पहले कर दें, है ना। तो हाउएवर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ टास्क रिक्वायर सेवरल कॉग्निटिव स्किल्स टू वर्क इन टेंडम विद ईच अदर, मतलब कि कोई ऐसा टास्क हो सकता है जहां पे बहुत सारी आप लेवल पे हो एक साथ, इन द अदर वर्ड्स अ टास्क विल नॉट बी ओनली ऑन एनालिसिस और ओनली ए कॉम्प्रिहेंशन, है ना, वही बात कही जा रही है, रादर दे अकर साइमल्टेनियसली एज अपोज टू सीक्वेंशियली, मतलब हम सीक्वेंस से नहीं यू चढ़ते उतरते हैं ये कॉग्निटिव डोमेन में, बल्कि एक साथ कई लेवल पे होते हैं, द स्ट्रक्चर ऑल्सो मेक्स इट सीम लाइक सम ऑफ दीज स्किल्स आर मोर डिफिकल्ट एंड मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स, ये तो साफ साफ कह दिया इन्होंने, जब हायरार्की कहा तो इन्होंने क्रिएटिंग को जब सबसे उच्चतम स्थान दे दिया, इसका मतलब है कि ये कह रहे हैं कि नीचे वाला जो है वो गड़बड़ है या लेस इंपॉर्टेंट है या उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। However, when people adopt this mindset, it causes less emphasis to be placed on knowledge and comprehension, है ना, मतलब कि इस हिसाब से तो लगता है कि अगर हम सिर्फ नॉलेज के लेवल पे हैं तो मतलब हम बहुत खराब लेवल पे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, नॉलेज तो बेस है, वो ये भी कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रिटेशन भी हो जाता है थ्योरी का, विच आर एज इफ नॉट मोर इंपॉर्टेंट द प्रोसेसेस टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पिरामिड। इसके अलावा क्या है, एडिशनली ऑथर डॉग लेमोव ने उन्होंने आर्ग्यू किया कि दैट दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ए नेशनल ट्रेंड दैट इवेल्युएट्स डीवेल्युएट्स होना चाहिए था यहाँ पे सॉरी डीवेल्युएट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, है ना, कि कहीं ना कहीं नॉलेज की महत्ता कम हो रही है। He goes even further to say that lower income students who have less exposure to sources of information suffer from a knowledge gap in schools. ये भी निकल कर आ रहा है इससे, ठीक है। और a third problem with the taxonomy is that the sheer order of elements is inaccurate. When we learn, we don't always start with remembering and then move on to comprehension and through to creating something new. ये बात पहले भी हो गई कि जरूरी नहीं हमेशा remembering से शुरू करके comprehension पे जाके create करें। Instead, we mostly learn by applying and creating. हो सकता है कि हम directly कुछ create कर लें। For example, if don't really know how to write an essay until you actually do it, and you might not know how to speak Spanish until you actually do it. The act of doing is where the learning lies, as opposed to moving through a regimented linear process. मतलब जो learning का process है, जो अधिगम की प्रक्रिया, वो रेखीय नहीं है कि एक sequence से चलेंगे, बल्कि हम creating से शुरू कर सकते हैं, हम applying से शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी कमियां हैं। Despite इन सब के बावजूद भी, these several valid criticisms of Bloom's taxonomy, this model is still widely used today. इतनी सारी, देखिए जब हम कमियां देखते हैं तब हमको कमी के लेंगे एंगल से समझ में आता है, नहीं तो उसके पहले हमको सब बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ ठीक है, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन ऐसे चल रहे हैं, रिवाइज में तो और सही हो गया, अब तो कोई गड़बड़ी नहीं है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव बन गया, हम असेसमेंट और ऑब्जेक्टिव को अलाइन कर पा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन को अलाइन कर पा रहे हैं, सब बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी कमियां हैं। और इसके बावजूद फिर हम समअप कैसे करेंगे, स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसके यूसेज से निश्चित रूप से हम क्लासरूम टीचर टीचिंग लर्निंग को सुधार सकते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत पॉपुलर हो गया है अब तो। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन एंड जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप टू। ओके, डन फ्रॉम माय साइड।